श्री कृष्ण कहते हैं उम्मीद का साथ मत छोड़ना, क्यों चलिए जानते हैं। एक उम्मीद काफ़ी है हमें मंजिल तक ले जाने के लिए। एक दिन सब ठीक हो जाएगा, जो दूर है वो पास हो जाएगा, बादल हटेंगे और नई उम्मीद के किरण के साथ दुनिया आगे बढ़ेगी। उम्मीद से बड़ा दुनिया में कोई सहारा नहीं। अगर उम्मीद हो तो उजालों से क्या अंधेरे से भी दोस्ती की जा सकती है। अगर आप में उम्मीद और हौसला है तो हर मंजिल पार कर सकते हैं। मुझे अपनों से नहीं अपने आप से उम्मीद है। गरीब के बच्चों की उम्मीद ही उनका हौसला बदलते हैं। अपने आप से जंग जारी है, अपने आप से उम्मीद बाकी है। जिस इंसान के अंदर उम्मीद और भरोसा कायम है वो इंसान कुछ भी कर सकता है। हम हौसले और उम्मीद से चलते हैं, हम अपनी मंजिल पर पहुंच के ही दम लेंगे। अपने आप से उम्मीद रख, हौसले बुलंद रख, तेरी मंजिल तुझी को मिलेगी। उम्मीद और भरोसे से पूरी दुनिया जीती जा सकती है। दुखों का पहाड़ उम्मीद से ही पार किया जा सकता है। पैरों से तो सब आगे बढ़ते हैं, हम उम्मीद से आगे बढ़ेंगे। तेरा मेरा किस्सा ख़त्म आज से जब भी लगता है, तब ही ना जाने क्यों एक नई उम्मीद दिख जाती है। हम हौसले और उम्मीद से चलते हैं, हम अपनी मंजिल पर पहुंच के ही दम लेंगे। होश ले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। जिसके पास सेहत है उसके पास उम्मीद है, और जिसके पास उम्मीद है उसके पास सब कुछ है। सपने हमेशा सच नहीं होते, पर जिंदगी तो उम्मीद पर टिकी होती है। उम्मीद ऐसी हो जो मंजिल तक ले जाए, मंजिल ऐसी हो जो जीना सिखा लाए, जीना ऐसा हो जो रिश्तों की कदर करे, रिश्ते ऐसे हों जो याद करने पे मजबूर करे। जिंदगी वही है जो हमने आज जी ली, कल जो जिएंगे वो उम्मीद होगी। खुश रहने का एक उपाय उम्मीद रब से करो, सबसे नहीं। जब आप आशा करना छोड़ देते हैं तो आप सब कुछ खो चुके होते हैं, और जब आप अपना सब कुछ खो देते हैं तो एक उम्मीद ही है जो आपको हारने नहीं देती। यह कोई भी नहीं जानता कि अगले पल क्या हो सकता है, फिर भी हम आगे बढ़ते जाते हैं क्योंकि हमें उम्मीद है, क्योंकि हमें विश्वास है। उम्मीद वो आखिरी चीज़ है जो इंसान हारने से पहले करता है। आप कभी आशा करना ना छोड़ें, क्योंकि आप यह कभी नहीं जान सकते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लाने वाला है। और यदि हमने उम्मीद खो दी है, इसका मतलब हम हमेशा के लिए खो गए हैं। उम्मीद है हम आधे रास्ते पर हैं जहां हम जाना चाहते हैं। जब आपके सामने कोई समस्या आती है तो आशा या उम्मीद ही ऐसा एक शब्द है जो उस समस्या से लड़ने में मदद करता है। इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखिए। आशा मनुष्य के लिए अमृत समान है। जिस तरह पेड़ पौधे को सूरज से जीवन मिलता है, उसी तरह आशा से मनुष्य में नए उत्साह का संचार होता है। असफलताएं सीमित हैं, हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए, किंतु आशाएं उम्मीदें अनंत हैं जो हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। निराशाओं के गहरे अंधकार में जो नन्ही नन्ही आशाओं की धुंधली सी किरणें खोई सी रहती हैं, उनका भी जीवन में कम महत्व नहीं होता।
दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।